जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, फिर कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर। साथ ही पाए एक विशेष ऑफर, जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लकी गार्डन में हॉल एकदम फ्री। क्या मामला बताना भैया, अन्य टाकी पे कोई चाकू घटना हुई है भाई, इनने करा उसके केस बनना चाहिए। उसके समर्थन नाम किसी को उठा के लेकर के आना? अरे उसके समर्थन नाम है नहीं, बाकी जबरदस्ती गरीबों को उठा रहे रात रात भर, दो दो तीन तीन बजे रात को लोगों के घर से आके उठा रहे। ये कब तक चलेगा? ये दारू का ठेकेदार, संजय नगर कलाली का ठेकेदार जब तक कर रहा है, 10-20 हजार रूपए दे रहा है, ये कब तक चलेगा? हिंदू को, समाज को दबाना चाहते हो तो भैया ये जिला बदर की कार्रवाई, ये टुच्चे लोगों पे चढ़ रही है। ये बोलते हैं कि आगे बोलता है इधर रातों को लगाओ, इनमें गुंडा की कायमी है, तो इन पे तो करो, जिला बदर करो। ये पुलिस की, पुलिस की, अरे जिस सिनेमा के अंदर आतंकी पकड़ाता है उस शहर के अंदर हम लोगों के ऊपर कार्रवाई, जो देशभक्त लोग उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होती है भाई? राकेश जैसे आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई हो, उनके समाज वालों पे कार्रवाई हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के ऊपर नहीं जो भगत सिंह जैसे लोगों को मानने वाले हो, जो शिवाजी जैसे लोगों को मानने वाले हो, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को मानने वाले हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई ना हो, बल्कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो इंडियन मुजाहिदीन वाले जैसे आतंकवादियों को मानने वाले लोग हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो। पद्मनगर थाने के अंदर इसलिए आए हैं कि निर्दोष लोगों को यहाँ पर उठाकर लाया जा रहा है और उनके ऊपर बिना वजह कार्रवाई करी जा रही है। मतलब किसी कार्रवाई भैया पूछताछ करनी है तो पूछताछ किसी जिसने करा है उसके ऊपर पूछताछ करो ना, उनसे पूछताछ करो, उनके ऊपर कार्रवाई करो, बिना वजह किसी को भी उठाकर लाओगे। क्या नाम है आपका? कार्रवाई करोगे? मेरा नाम निखिल देवारे। निखिल देवारे भाई, उसको काय के लिए उठाया? आपके पास क्या सबूत है? उसने करा क्या है? उसका कोई केस है क्या? उसका कोई वारंट है क्या? उसने कोई अपराध करा है क्या? उसको उठा के क्यों लाई पुलिस? उसका कारण बताओ हमको, उसको उठा के क्यों लाई है? तुमने रात में शुभम को उठाया, शुभम वर्मा को, वो क्या करता है? वो बेचारा पेंटरिंग का काम करता है, 200 रुपए उसमें पुताई करता है, उसको क्यों उठाया? आपके पास क्या था? उसने कोई अपराध करा क्या? शुभम ने, उसकी माँ रात भर से रो रही है, उसका बाप अस्पताल में भर्ती है, तुमको क्या मालूम है? उसके बाप को हटे गया हुआ, वो मर जाएगा, उसकी रिक्शा पुलिस लेगी, कोई प्रशासन लेगा। ये मियाँ आके 40 लोग यहाँ के दबाव बनाते, धरना प्रशासन देते, ये हमको नहीं आता क्या करते? ये बार बार ये बार बार ये बार बार इनके अरे बार बार इनके ये धंधे तुम बोलो क्यों भाई इनका क्या है? बार बार का पुलिस इनका डरती है कि प्रशासन डरती है, तो घेराव तो हिंदू समाज भी करेगा। बार बार इनका आए दिन ताना घेराव करना, कभी कोतवाली करना, कभी मुखट करना, आए दिन पथराव करते हैं, आए दिन हिंदू समाज की लड़कियों को छेड़ते हैं, आए दिन लव जिहाद करते हैं, ये कब तक चलेगा? और हम चेन करने वाले लोग नहीं है, और हम ओरिजिनल लोग है, और हिंदू समाज के लिए काम, हिंदू समाज करेंगे, वो हिंदू समाज के लिए हम खड़े, और जीवन में ये कब तक चलेगा? और ये तो आए दिन खड़े हुए, कभी ईद का झंडा उठाना, कभी ये बोला ये हो रहा है, लव जिहाद कर रहे है, और आए दिन हिंदुओं को मारा कुटी चढ़ रही है, लव जिहाद की, हिंदू बहनों को छेड़ रहे हैं, छेड़ाकारी कर रहे हैं, कब तक क्या कर रहे हैं? दिख रहा है ना ये छेड़ाकारी कब तक चलेगी? ये प्रशासन कब तक ठंडा बैठेगा भाई? बताओ तुम आम, तू बोल दे अकेले, बताओ। हर बार निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जाती है, हर बार किसी भी संबंध में कुछ भी घटना हो शहर में, तो निर्दोष लोगों को उठाया जाता है, उनके उनसे ये दबाव बनाने के लिए कि ये पूछताछ करने के लिए क्या है? पूछताछ किसी पूछताछ भैया जिसने करा है, जो कैमरे में दिख रहा है, स्पष्ट रूप से उनको लेकर के आया जाए, उनके उनसे उनके ऊपर केस बनाया जाए, उसके लिए हम उनके समर्थन में नहीं है। या जो घटना करता है, घटना के जवाबदार है वो जवाबदार बने, उनके ऊपर केस बने, जो भी होगा वो न्यायालय तय करेगा। माननीय न्यायालय की, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, न्यायालय के द्वारा जो भी सजा देगी वो मान्य रहेगी, पर ये उद्देश्य कभी रहा ही नहीं समाज का कि हम लड़े और ये करें, समाज में शांति बने रहे, यही हमारा उद्देश्य रहा है। हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं,
यह हर बार किसी न किसी उद्देश्य से दबाव और प्रभाव बनाने के लिए जो अंग्रेजी शासन में चलता था कि लोगों के ऊपर दबाव प्रभाव बनाने के लिए क्रांतिकारी लोगों को उठाया जाता था 110 116 151 की कार्रवाई की जाती थी, वैसी कार्रवाई हम लोगों के ऊपर की जाती है हर बार दबाने के लिए। तो यह जो इस्लाम के लोग दबाव प्रभाव बना करके इतने दिन तक के जो थाना घिराव होता है ये करते हैं और दबाव बना करके कई लोगों को छुड़ा कर ले आते हैं, तो ऐसी हमारी मानसिकता है ही नहीं और ना हम ऐसा करना चाहते। पर बिना वजह किसी को भी उठाया जाएगा और बिना वजह किसी के भी ऊपर केस बनाने के लिए दबाव बनाने के लिए प्रभाव बनाने के लिए उसको उठा करके लेके आया घर से, तो ये हिंदू समाज कभी भी सहन नहीं करेगा। और इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी और जैसा भी आंदोलन होगा और इससे ही बड़ा आंदोलन ये हम करना जानते और कराया शहर ने, और अगर ऐसा रहा तो पहले भी खंडवा कई बार बंद हुआ है, सभी लोगों ने देखा है, और खंडवा समाज के लिए फिर से बंद होगा और तरीके से बंद होगा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर मुसलमानों ने हिंदू को मारा, पकड़ा गया, हाँ, क्यों मारा उन्होंने, फिर तो उनको भी जेल भेजो। तो फिर जब उन लोगों ने मारा सर, तो फिर आपने उस क्षेत्र के मुसलमान लोगों को क्यों नहीं उठाया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की, क्यों उनके पीछे कोई आतंकवादी संगठन नहीं थे, उनके पीछे पीएफआई वाले लोग नहीं थे, उनके पीछे सिंधी के लोग नहीं थे, संगठन जो पीएफआई वालों को, उनकी बात सुन, बोलो जो करेगा जो अपराधी होगा उस पर कार्रवाई होगी और बिल्कुल प्रदान करने का अपन ने कुछ लेकर ये अड़े पार्षद आते हैं, ये का के पार्षद बन जाते हैं, ये प्रसाद को चुनौती देते हैं, डराते हैं, ये कब तक चलेगा सर, वो राम कर उनके लिए जो प्रसाद को डरा रहा है उनके लिए तुम लोगों ने सर जी करेंगे जबरदस्ती गाड़ी बाजी ये जबरदस्ती लोगों का दो बजे जा रहे हैं, कब तक चलेगा सर जी, क्यों जा रहे हैं दो बजे, क्यों जा रहे लोगों का सर जी, गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मध्य प्रदेश सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विद मटेरियल बिल्डिंग जिसमें होम एवं कमर्शियल बिल्डिंग शामिल है,
रोड, स्कूल, कॉलेज, गौरतलब है कि साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन ठगी जमकर हो रही है। फ्लोरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्लोरा ने खंडवा के कोतवाली थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की है और कहा है कि इस मामले में जांच की जाए। साथ ही फ्लोरा ने कहा है